डोसे, वैरायटी ऑफ डोसे। ये कौन सा डोसा भैया? पिज्जा डोसा। ये पिज्जा डोसा बना किसी का भाई साहब, क्या बात है। इसे मसाला पाव कहते ना? ये मसाला पाव है भाई, वही भाजी का डाला। तो ये लेयरिंग लग रही है, ये वेज चीज ग्रिल सैंडविच है। नींबू में रस ही नहीं है, कोई नहीं। तो ये क्या? ये बना जी लाडी पाव लिया। क्या बात है भाई, मुंबई का वड़ा पाव जान है भाई, सीरियसली हम दिल्ली वालों के लिए भी जान है ये। बट दिस इज़ द बेस्ट जो अभी तक का जो यहाँ के लोग जो बता रहे हैं। सॉरी, मिक्स सॉस पास्ता लग रहा है। ट्रेस के नाम से, जैसे मैंने बताया, ट्रेस के नाम से इनकी, इससे बढ़िया पाव भाजी मैंने फिलहाल देखी भी नहीं है अभी तक। हम कहाँ पर हैं इस टाइम? हम आनंद स्टॉल मिठी भाई कॉलेज, और ये आप देख रहे हो भाई हमारा स्पेशल एपिसोड मिठी भाई कॉलेज वाला। भैया एक एक अमूल बटर वाला दे दो यार, एक अमूल बटर वाला। भाई मिल गया, ये आप मिलेगा भाई, देखो बने थोड़ा हाथ थाना भैया। ये देखो भाई, ये बना जी लाडी पाव लिया। क्या बात है भाई, मुंबई का वड़ा पाव जान है भाई, सीरियसली हम दिल्ली वालों के लिए भी जान है ये। ये अमूल बटर वाला आ गया भाई हमारा, देख रहा है, ये आ गया भाई अमूल बटर वाला। वही चटनी वटनी सबको लगाया अभी, जो हमने पहले भी खाया था वैसे ही बनाया हुआ भाई। यहाँ पे डोसे, क्योंकि भाई आनंद स्टॉल पे मिलते हैं भाई डोसे, वैरायटी ऑफ डोसे। ये कौन सा डोसा भैया? पिज्ज़ा डोसा। ये पिज्ज़ा डोसा बना है किसी का, और ये अभी फ्रेश किसी और का कुछ बन रहा है। तो भाई मतलब मिठी भाई कॉलेज के जस्ट ऑपोजिट में है ये स्टॉल, पर आप कभी भी यहाँ पे आओ ना तो इनका वड़ा पाव बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल है। प्लस इनका जो डोसेज है, जो डोसा है, वैरायटी ऑफ डोसा, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और ये आपके सामने फ्रेश वड़ा बना रहे हैं, सैंडविचेज बन रहे हैं। ये देखो, ये देखो है ना, बढ़िया चीज़, बहुत बढ़िया है। अब जो हमने वड़ा पाव लिया ना, वो ट्राई करके बताते हैं आपको टेस्ट कैसा है। इसे क्या बोलते हैं, बॉम्बे सैंडविच? ग्रिल है, वेज चीज़ ग्रिल। ये देखो भाई, वेज चीज़ ग्रिल बन रहा है। वाह भाई वाह। तो ये देख, पहले सबसे पहले अमूल बटर लगाया था, क्योंकि ब्रेड का साइज़ भी देख कितना बड़ा है। अमूल बटर की साइज लगा रहे हैं, और वो उबले हुए आलू डाल रहे हैं उसमें। तो ये लेयरिंग लग रही है, ये वेज चीज़ ग्रिल सैंडविच है भैया। भैया ये देख रहे हो भाई, ये बड़े बन रहे हैं एकदम फ्रेश, मज़ेदार। देखो हाथ में ग्लव्स पहन रखा भाई ने, ग्लव्स पहन के भी एकदम वही बराबर शेप दे रहे हैं, और उसके बाद इसको डीप फ्राई करके निकालेंगे बढ़िया से। एंड देन दिखाता हूँ आपको मैं, क्योंकि ये वड़ा पाव असेंबल कैसे करते हैं। अब भाई, अब वड़े को अच्छे से डिप किया जा रहा है बेसन के बैटर में, और उसको डीप फ्राई किया जा रहा है। देख एकदम परफेक्ट बॉल है, और हर वड़ा जो सा है ना, वो एक सेम साइज़ का है, और इसको डीप फ्राई किया जा रहा है। तो भाई ये रहा जी आनंद स्टॉल का द फेमस वड़ा पाव, और इसके अंदर सिर्फ अमूल बटर, चटनी वटनी, गार्लिक चटनी सब वही लगा रखा है जो हर जगह लगती है। बस अमूल बटर एक अलग से चीज़ है जो यहाँ पे लगाई है, जो और कहीं नहीं लगती। तो लेट मी टेक अ बाइट। इसका फाइट थोड़ा बड़ा है। यस सर, बस भाई आनंद स्टॉल है और मिठी भाई कॉलेज एरिया है, तो हर एरिया के हिसाब से यहाँ पे प्राइस होते हैं। ये है जी 25 रुपये का, क्योंकि अमूल बटर भी लगा है, तो इस वजह से भी थोड़ा सा महंगा है, बट वाकई में टेस्ट अच्छा है। अब चलते हैं अपने अगले स्टॉल पर। तो भाई अपनी अगले स्पॉट पे आ चुके हैं। मिठी भाई कॉलेज की अगर बात करें, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे फूड ऑप्शंस हैं, लाइक डोसाज है, वहाँ पे मैंने चाय की एक शॉप देखी थी वो भी है। तो ये भाई का फेवरेट स्पॉट है, ट्रेस के नाम से है, ट्रेस। ये देखो यहाँ पे लिखा ट्रेस। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बर्गर, पास्ता, कोल्ड कॉफ़ी एंड लास्ट वॉफल्स, ये मिलते हैं। छोटा सा मेन्यू है, बट मैंने जैसे बताया कि जिसका सिंगल बेस का मेन्यू होता ना, वो क्वालिटी हमेशा मेंटेन रखता है, उसको बहुत इजी होता है। तो लगवाते हैं कुछ बढ़िया सा पास्ता, लगवाते हैं कोल्ड कॉफ़ी बनवाते हैं, और दिखाते हैं आपको कैसा टेस्ट है। ये लग रहा है हमारा मिक्स सॉस पास्ता लग रहा है। ट्रेस के नाम से, जैसे मैंने बताया, ट्रेस के नाम से इनका ये छोटा सा कार्ट है, मतलब कि एक बूथ है, और मिठी भाई कॉलेज के जस्ट साथ में ही है, बाय वॉक ओनली 2 मिनट्स, हार्डली 2 मिनट्स। और काफ़ी फेमस है, अपने
वॉफल्स के लिए, पास्ताज के लिए, बर्गर के लिए और फ्राइज़ के लिए, एंड स्पेशली द कोल्ड कॉफ़ी ऑल्सो। तो ये देखो भाई, वॉफल मशीन भी है, छोटा सा है बट बहुत प्यारा सा है, क्यूट सा है, और ये आपके सामने एकदम फ्रेश बना रहे हैं, तो एकदम मज़ेदार चीज़ है। जब ये पूरा बन जाएगा, जब टेस्टिंग भी आएगा, तो बताऊँगा आपको क्या क्या मंगवाया। और ये फ्राइज़ हो चुके हैं हमारे बढ़िया से मिक्स। भाई कौन खाएगा इसे बन्नी, इतना स्पाइसी। मुंबई के लोग चीज़ और स्पाइसी बहुत ज़्यादा खाते हैं यार। ये लो जी, अब सॉस आएगी तंदूरी मायो। ये देखो, ये शाबाश। तो आप कभी भी यहाँ पे आए ना, अगर घूमने फिरने आए या अगर आप यहाँ पढ़ते हो, तो इट्स जस्ट अ वॉकिंग लाइक टू मिनट्स ओनली फ्रॉम मिठीबाई कॉलेज। आप यहाँ पे आके ट्राई कर सकते हो, ट्रेस के नाम से है ये। तो भाई पास्ता आ चुका है, ये देखो भाई, ये चीज़ जैसे मैं बताया था ना, स्पाइसी और चीज़ जो है मुंबई के लोग बहुत खाते हैं। ये जी चीज़ ऊपर डाल रखा है, ये पिंक सॉस है, मिक्स सॉस जैसे कहते हैं। नाउ लेट मी टेक अ बाइट। काफ़ी क्रीमी है, चीज़ी है। आई थिंक दैट एक बंदा खा लेना अगर ये, तो फिर वो वड़ा पाव नहीं खाएगा उस दिन। भाई तुम्हारी फेवरेट जगह तुम ही खाओगे। ये है भाई चीज़ बढ़िया एकदम। और ये है जी फ्राइज़, मतलब ये तो भाई मतलब बच्चों की जान है, और आजकल काफ़ी ट्रेंड में है ये स्पाइस। ओह वेरी क्रिस्पी, बहुत बढ़िया क्रंच, ऊपर तंदूरी मायो डाली हुई है, नॉर्मल मायो डाली हुई है। और भाई इतनी गर्मी में ना ये कोल्ड कॉफ़ी, मतलब आइटम ऐसे हैं, छोटा सा मेन्यू है और इतना बढ़िया बनाया भाई ने, मज़ा आ गया। छोटी सी किचन आप देख सकते हो, एकदम परफेक्ट, नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा, हाथ में ग्लव्स पहन रखा है, हेयर कैप पहन रखा है, तो आपको और क्या चाहिए। तो कभी भी आप यहाँ पे आए ना, ये वॉफल, कोल्ड कॉफ़ी, फ्राइज़ और ये पास्ता ट्राई करना, और इनका एक बर्गर भी है वो भी ट्राई करना, नेक्स्ट टाइम हम ट्राई करेंगे। अभी इसको पीते चलते हैं, क्योंकि अब हमने जाना है अगली शॉप पे। तो भाई अमर पाव भाजी हम ट्राई करने वाले हैं, और यहाँ पर मिलता है भाई चटनी पाव। चटनी को बढ़िया से तवे पे बढ़िया से अच्छे से मतलब कि करारा करके उसके ऊपर पाव लगाया जाता है, उसको मसाला पाव भी कहते हैं एक्चुअली में, बट ये लोग चटनी पाव कहते हैं। तो साथ में भाजी, पाव भाजी ट्राई करते हैं और बताते हैं आपको टेस्ट कैसा है, क्योंकि यहाँ पे कहते हैं लोग कि मिठीबाई कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको पाव भाजी खानी होती है, तो यहीं पर आते हैं। तो चलते हैं टेस्ट करते हैं, ये हमारा लास्ट स्टॉप है, और देखते हैं कि टेस्ट कैसा है। पहले दिखाता हूँ बनता कैसे है, स्पेशली द पाव भाजी। आप देख सकते हो वही लाडी पाव, उसके ऊपर मसाला लगाया जा रहा है बढ़िया से, और ये भैया जी हमारे बना रहे हैं, और इसको बढ़िया से गर्म। ओ भाई साहब क्या बात है, इसे मसाला पाव कहते हैं ना, ये मसाला पाव है भाई, वही भाजी का डाला पूरा, वही भाजी होता है उसके ऊपर, अलग मसाला होता है, चटपटा मसाला। अच्छा भाजी मसाला पाव अलग है, इसके लिए क्या बोलना पड़ेगा, भाजी मसाला पाव, चटनी मसाला पाव, देखना ट्राई करना ये ला। तो फिर यही ट्राई करवाते हैं, एकदम बढ़िया सा लग रहा है, बहुत बढ़िया देखने में, इसी को लेते हैं भाई। अमर फास्ट फूड मिठीबाई कॉलेज के एरिया में है, और इससे बेहतर, इससे बढ़िया पाव भाजी आपको मुंबई में नहीं मिलेगी। मैं जानता हूँ कि हमने पिछली बार भी बहुत सारे पाव भाजी ट्राई किए थे, बट दिस इज़ द बेस्ट जो अभी तक का जो यहाँ के लोग जो बता रहे हैं कि अमर पाव भाजी बहुत बढ़िया है। और आप देख सकते हो ये इनका चटनी पाव है जो ये पैक कर रहे हैं भाई मन्नी, मतलब इससे बढ़िया पाव भाजी तेरे को यहाँ नहीं मिलेगी। अब अपनी एक प्लेट लगवाते हैं, बढ़िया सा एक प्लेट लगवाते हैं, और करते हैं टेस्ट कि भाई क्या खास है इस पाव भाजी के अंदर, बढ़िया सी। तो भाई साहब वाकई में भाई मज़ा आ जाएगा, सीरियसली विक्रम भाई सही कह रहे हैं आप, कि इससे बढ़िया पाव भाजी मैंने फिलहाल देखी भी नहीं है अभी तक। हमने पिछले साल बहुत ट्राई करी थी, बट ये कुछ अलग ही लग रही है उसमें बिल्कुल। तो सबसे पहले क्या करते हैं भाई, थोड़ा नींबू निचोड़ते हैं।
नींबू में रस ही नहीं है, कोई नहीं। तो ये क्या है, ये चीज़ वाला पाव, ये चीज़ वाली भाजी है, ये विदाउट चीज़ है। तो दोनों टेस्ट करेंगे ताकि पता चले कि डिफरेंस क्या होता है। और ये भाई इनका चटनी पाव, जिसको मसाला पाव भी कहते हैं। ये देखो, ओए होए होए, मुझे तो लग रहा है ये चटनी वाला पाव ही लोग खा लेंगे, भाजी की ज़रूरत ही नहीं है। भाई काफ़ी मसालेदार है और स्पाइसी भी है वाकई में। हाथ ज़रूर गंदे हो जाएंगे आपके, लेकिन वर्थ है, ट्राई करना वर्थ है। ये भी विद चीज़, बहुत ज़्यादा हैवी है। हम करते हैं इसे ख़त्म और ये एपिसोड करते हैं यहीं ख़त्म, क्योंकि ये सारी चीज़ें थी मिठी भाई कॉलेज के आसपास जो हमने आपको दिखाई, जो कि मस्ट ट्राई चीज़ें हैं। इसे करते हैं ख़त्म, हम चलते हैं अगली जगह पे, मिलते हैं आपको अगले नए एपिसोड में।